और भाई क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। आज हम जाने वाले हैं क्रिकेट मैच खेलने। काफ़ी टाइम बाद हमें क्रिकेट मैच खेलने को मिल रहा है। ये क्रिकेट मैच हमारे पास ही वाले गांव में किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, हमारे साथ जीतते हैं हारते हैं। तो बनी रही है वीडियो पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। एक स्कूटी ले आंदे क्या दे चौधरी चौधरी। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम घर से, आधा सफ़र हमने कर लिया है तय और आधा अभी बाकी है। तो इस सीज़न कोई क्रिकेट मैच होता नहीं है वैसे, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर गर्मियों के टाइम क्रिकेट मैच कम ही देखने को मिलते हैं। बट लॉकडाउन के कारण सारे भाई लोग घर आ रखे हैं, हमारे गांव में भी और बाकी गाँवों में भी जहाँ मैच लग रखा है। तो इस सीज़न में गर्मी के कारण मैच होते नहीं हैं क्रिकेट के, बट क्रिकेट मैच देखने को मिल रहे हैं वो इस जून के टाइम, तो काफ़ी बेहतरीन बात है। तो देखते हैं कैसा कैसा होता है आगे का सीन, आप बने रहिए वीडियो में। अभी अपने वाला ये पूरा रास्ता कवर करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ और उसके नीचे जाना है हमने, ये पूरा रास्ता कवर करके। तो चलिए फिर चलते हैं, किस बात की देरी। यहाँ पर काफ़ी सारे छूतियाँ गिर रखी है, देखो खा रखी होगी आपने भी, है ना। काफ़ी मस्त मस्त होती है ये भी, इनके अंदर का बीज काफ़ी बेहतरीन होता है। तो चलिए फिर ये अपनी टीम थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं। तो ये हमारी टीम, टीम जा रही है अब खेलने के लिए, और आपको वही चेहरे दिखेंगे जो हमारी टीम में रहते थे, बट कुछ दो तीन नए चेहरे हैं मलेशिया से आ रखे हैं उभरे उभरे हुए खिलाड़ी। रुको रुको रुको, जरा नाम नूम वी सिंह, अब आप पीछे मुड़ो, ये हमारा नए चेहरे हैं भाई साहब। हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आज हम बकरा लाएंगे जीत के पक्का पक्का। देखो ये हमारे नए खिलाड़ी है जो कि काफी जोश खरोश में, इस धूप में, कड़कती धूप में काफी जोश में चल रहे हैं। और बाकी आगे आपको दो तीन चेहरे और देखने को मिलेंगे हमारी टीम में नए, बाकी उसे तो आप रूबरू हो ही चुके हैं, तैमूर मिर्जा, कुरली भाई, उन्हें तो आप जानते ही हैं, बट दो तीन और खिलाड़ी और है तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। तो अपने कुरली भाई, पानु भाई और बर्तवाल जी, आज नए खिलाड़ी काफी खतरनाक या तो आप क्या करेंगे साथ आज बीबीएल के प्लेयर जुड़े एक अखिलेश सिंह, उन्हें दिखा लिया बॉल, बॉल एक और 40 विकेट तो मेरे नाम है ओवर में, 4 विकेट। अच्छा और बैटिंग में, बैटिंग में ज्यादा नहीं, कम है बैटिंग में, थोड़ा लो में 3 पर बॉलिंग काफी, बॉलिंग में पूरा संघर्ष है, फील्डिंग में संघर्ष मेरा रहेगा जी। और कुरली भाई को तो आप जानते हैं, कुरली भाई काफी बेहतरीन प्लेयर है हमारे। कुरली भाई जरा चेहरे भी दिखा दीजिए अपना
तो कुरली भाई को तो आप जानते ही हैं, बाकी सीन आप देख लेना आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। जय हो, जय हो। मैं ये अपनी सारी पीछे टीम खड़ी है। काफी बेहतरीन बॉलिंग हो रही है अभी तक भोली की टीम से। जो अभी बैटिंग कर रही है उस टीम का नाम है मंजला, और जो बॉलिंग वो है भोली। काफी बेहतरीन बॉलिंग की है अभी तक भोली वालों ने, सिर्फ 35 रन दिए हैं 5 ओवरों में। तो देखते हैं स्कोर कितना खड़ा कर पाती है मंजला की टीम। सही बॉलिंग करी और बॉलर अपनी रन ऑफ लेते हुए काफी अच्छा शॉट। बैट का भी शॉट नहीं, पेड़ पे लग गया। ओ भाई अगले रो भी आराम से भाई, गुस्सा ना गुस्सा ना। और काफी बेहतरीन बॉल, काफी अच्छी बाउंस हमारी विवेक रावत द्वारा। और काफी अच्छा ओवर निकल चुका है यहाँ पे विवेक रावत का। अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं विवेक रावत के ओवर में। काफी बेहतरीन बॉलिंग भाई, यही रख यही रख। टेवर मिर्जा बाले 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 काफी जोश दिलाते हुए और बाले उसे पकड़। बस बस, और काफी अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी काफी अच्छी हुई इस बार। चार रन हो चुके हैं आराम से। अरे यार हट बैट, मुले का बॉल छोड़ना। काफी लंबा सिक्स यहाँ पे राकेश भाई द्वारा। पड़कती धूप में यहाँ पर क्रिकेट मैच का आनंद लिया जा रहा है। और ये काफी बेहतरीन सिक्स, और देखते हैं कैच हो पाता है। और कैच कर लिया है यहाँ पे भाई ने, काफी बेहतरीन कैच था, काफी ऊंचा था, धूप भी लग रही थी पर कर ही लिया। तो यहाँ पर काफी बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है मंजला वर्सेस भोली के द्वारा। और शायद लास्ट ओवर चल रहा है और रन का भी पता नहीं कितने रन बने। और बॉलर अपना रन अप लेते हुए बाउंस। अंपायर क्या, वाइड बॉल। अंपायर क्या कोई नहीं है भाई, अरे तोरे दे रहा है मुंह में अंपायर। रह गया ओवर, रह गया। थोड़ा सा लोचा होता हुआ यहाँ पे ओवर के मध्य, कोई बोल रहा ओवर हो गया, कोई बोला नहीं। और यही मनोरंजन है पहाड़ी क्रिकेट में, काफी बेहतरीन मैच होते हैं रोमांच से भरे। इधर हमारी पूरी टीम, पुराना पुराना तैमूर मिर्जा सारे पुराने खिलाड़ी। और बॉर्डर ने यहाँ पे छक्का मार दिया है। फिर से सिक्स, काफी बेहतरीन सिक्स यार। देख सकते हो आप उम्र कितनी बड़ी है, फिर भी इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं कि क्या ही बोले। और बॉलर से थोड़ा प्रेशर हटा है और काफी बेहतरीन स्टॉक। और रनिंग देख सकते हैं आप कितनी जोरों शोरों में, धूप के उसमें भी इतनी जोर से रनिंग कर रहे हैं भाई। और सेकंड इनिंग हो चुकी है स्टार्ट। बोल बोल, शाबाश है, काफी बेहतरीन बॉल। और विवेक रावत आ चुके हैं क्रीज पे, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए।
बहुत बढ़िया चार रन चौका है चौका है 89 का टारगेट खड़ा किया है यहाँ पे मंजिला की टीम ने और भोली उसे चेस कर रही है देखते हैं कि बना पाते हैं या नहीं और ड्रॉप और यहाँ पे कीपर अच्छा सा कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पे ड्रॉप हो गया हुआ और और एक जीवन दान मिल चुका है बैटर को देखते हैं फायदा उठाते हैं या नहीं और जैसे लंबा हिट मार दिया है एक जीवन दान के बाद आप देख सकते हो कि कैच छोड़ा या मैच छोड़ा ये तो आप समय बताएगा अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता जीवन दान के बाद सीधा छक्का मार दिया है यहाँ पे विवेक रावत ने स्कोर अभी 22 रन तीसरा ओवर प्रगति पे ओवर है लंबा छक्का आप देख सकते हैं विवेक रावत के बैट से बहुत बढ़िया बहुत और इधर दर्शक गण पीछे चेयर अप करने वाले कोहली की टीम को और बोल्ड कर दिया है यहाँ पे विवेक रावत को काफी बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे और पेड़ ने यहाँ पे काफी रन रोके चार रन हो सकते थे और बोल्ड और बोल्ड काफी बेहतरीन बॉलिंग फील्डर नीचे बॉल ऊपर चमत्कार छह रन और अब आस आती हुई यहाँ पे थोड़े से बॉली की टीम पे छक्का के बाद छक्का लगने के बाद और अब चाहिए 6 बॉलों पे 12 रन देखते हैं कि जीत पाते हैं या नहीं और रोमांच आता हुआ थोड़ा मैदान पे और थोड़ा सा घपला होता हुआ यहाँ पे 9 बॉल को लेके 2 बाउंस गई पर अंपायर ने 9 बॉल नहीं दिया शायद लास्ट ओवर है और 6 बॉलों पे 12 रन चाहिए भोली वालों के लिए देखते हैं कि बना पाते हैं या नहीं और फर्स्ट बॉल और पहली बॉल में छक्का और पहली बॉल पे छक्का यहाँ पे और अब चाहिए 5 बॉलों पे 6 रन और भोली वालों पे थोड़ा सा खुमार रहता हुआ और 5 बॉलों पे 6 रन और अच्छी बॉलिंग और ये डॉट गई ये बॉल और अब 4 बॉलों पे 6 और तीसरी बॉल और 3 पे 5 और 3 पे 4 और 2 बॉल पे 4 रन देखते हैं क्या होता है और 9 बॉल और 2 बॉलों पे 3 रन नहीं और थोड़ा यहाँ पर गर्मा गर्मी हो चुकी है दोनों टीमों की उसमें कि वाइड था कि नहीं थी और थोड़ा गर्मी इंट्री वापस लेने की मांग की जा रही है और ये मैच हो चुका है रद्द थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों टीमों के बीच में लास्ट बॉल पे कोई बोल रहा था वाइट है कोई बोल रहा था वाइट नहीं है और पूरा मैच रद्द कर दिया है कोई दूसरी टीम कोई नहीं मानी तो मैच को रद्द करना पड़ा और कुरिली भाई ने जखीरा ला रखा है हमारे लिए पूरी पनी दे यार
बेटे लाल लाल होले देख आ रहा है दिया मेरे उन दो सोडा लाल ही छे ये अब खाता हुआ है वो ना पता नहीं छे लाल होले दे यार लाल ही छे उन अच्छे हो लाल पकड़ चीज और दे तेरा चार दिया आवेगा दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे और जैसे कि आपने आज का दिन हमारा देखा होगा कैसा रहा। तो गाइस हम जैसे ही वहां पहुंचे उसके तुरंत बाद हमारा मैच स्टार्ट हो गया था और हमने उस मैच को विन कर लिया था। तो उस कारण मैं अपने मैच का कोई डिटेल आपको दे नहीं पाया, बट जो आपने लास्ट का मैच आपने देखा होगा वाली वर्सेस मंजला का, उस मैच में ये हुआ कि दो बॉलों में तीन रन चाहिए थे और बॉलर ने जैसे ही बॉल कराई तो अंपायर ने पहले वाइड का इशारा किया, फिर बोला कि वाइड नहीं है। तो इसके बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ दोनों टीमों के बीच में और विवाद काफ़ी लंबा चला। तो जैसे कि उन्होंने पहले ही डिटेल किया था कि घपला करने वाली टीम को बाहर कर दिया जाएगा, तो वैसे ही दोनों टीमों को बाहर कर दिया गया था। बाकी मैच जो था वो चल रहा है। तो हम तो अपना एक मैच विन कर चुके थे और हमारा अब जो बाकी मैच वो हमारे कल होंगे, जैसे कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के मैच वो हमारे कल होंगे। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो सारी क्लिप दिखाता रहूंगा कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या हमारे साथ आगे होता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को रखते हैं हम यहीं पे तक, इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देनी चाहिए और बाकी जो मैच चल रहे हैं उसका ब्लॉग मैं बनाता रहूंगा कल जितने दिन हम जाएंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आपको मिलते हैं हम अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।